हाय गाइस, एमबीए का सीजन फुल स्टीम में है और कंफ्यूजन उससे भी ज्यादा। प्रेशर है, जॉब नहीं लगी है, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है। सब बोलते हैं कि एक्सपीरियंस करने के बाद एमबीए करने का ज्यादा फायदा होता है, आपका सिलेक्शन इजी हो जाता है, कॉर्पोरेट्स प्रेफरेंस देते हैं, या कॉलेज के बाद ही कर लेता, अब कहां से निकलूंगा मैं बाहर। ये सब राइट क्वेश्चंस हैं। सो शुड वी डू एमबीए राइट आफ्टर ग्रेजुएशन और आफ्टर टेकिंग सम वर्क एक्सपीरियंस। आज इस वीडियो को आई थिंक सब 3-4-5 लाख जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके साथ शेयर करने का समय आ गया है, अगर कोई भी अपना 2024 में एमबीए करने का सोच रहा है। हाय गाइस, माय नेम इज अंकुर, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल एमबीए फंडास बाय सनस्ट्रॉन्ग। To get free career counseling, check the link in description box and pin the comment below. तो पहले ना बहुत सिंपल समझते हैं, क्या कॉलेजेस प्रेफर करते हैं वर्क एक्सपीरियंस वाले को या फ्रेशर्स को? कॉलेजेस प्रेफर करते हैं अपनी क्लास में डाइवर्सिटी को। वो डाइवर्सिटी कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ऑफ फ्रेशर्स, मेल फीमेल रेशो, गवर्नमेंट जॉब से एक्सपीरियंस के साथ प्राइवेट जॉब के एक्सपीरियंस, इंजीनियरिंग की डाइवर्सिटी के साथ बीकॉम बीबीए की डाइवर्सिटी, रूरल बैकग्राउंड के साथ आए हुए या यू नो सिटी से, फार्मिंग बैकग्राउंड से आए हुए या एंटरप्रेन्योरशिप बैकग्राउंड से। एक अच्छा इंस्टीट्यूट अपनी क्लास में ये डाइवर्सिटी लाने की पूरी कोशिश करता है। प्रॉब्लम ये है कि ये डाइवर्सिटी टॉप के इंस्टीट्यूट से मेंटेन कर पाते हैं, बिकॉज वहां पे उनके पास एप्लीकेशन इतनी आती है, वहां पे कॉलेज है वो चूज करता है कि मुझे कौन से बच्चे लेने हैं, ठीक है। बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम अ कॉलेज, फ्रॉम लर्निंग, फ्रॉम योर परस्पेक्टिव, बिकॉज एक क्लास में 60 बच्चे बैठे हैं और आप देखिए अगर इतने वेरिड बैकग्राउंड एक्सपीरियंस के साथ आप उस क्लास में जाएंगे, आप केस स्टडी करेंगे, आप पढ़ने की कोशिश करेंगे, आप नेटवर्क बनाएंगे, एक एक्सपोजर मिलेगा। अब आपको फार्मिंग करने की जरूरत नहीं है, आपको इंडिया से बाहर जाने की जरूरत नहीं है, आपको असम जाने की जरूरत नहीं है, आपको बैंगलोर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सारे सारे डिफरेंट एक्सपीरियंसेस लोग एक ही क्लास में हैं। सो डाइवर्सिटी इज इंपॉर्टेंट। नाउ स्टूडेंट्स पर्सपेक्टिव से देखिए, अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हैं और आप यू नो यू आर वेरी क्लियर कि यार मुझे तो टॉप कॉलेज से ही एडमिशन लेना है, वो इंडिया में है या इंडिया से बाहर है, मुझे पता है कि मैं कैट हो या जीमैट हो या जैट हो, ऐसे जो इन अच्छे टेस्ट हैं उनको क्लियर कर सकता हूं और अपना मन चाहा इंस्टीट्यूट में एडमिशन ले सकता हूं, देन यू शुड डेफिनेटली वेट। ग्रेजुएशन हुआ है, फिगर आउट कीजिए, और पढ़ाई कीजिए, जॉब करना है जॉब करिए, वेट फॉर राइट मोमेंट। बट यू नो इफ टाइम इज नॉट ऑन योर साइड, यू आर नॉट सो श्योर, क्योंकि आप पिछले 2 साल से अटेम्प्ट ले रहे हैं, आप जब थर्ड ईयर में थे तब भी आपने एक मॉक टेस्ट लिया था, फाइनल ईयर में भी लिया है, पूरी तैयारी कर चुके हैं, आपको लग रहा है कि नहीं हो पाएगा, देन तो आपने ना कॉन्टेक्स्ट ऐसा क्रिएट कर दिया कि अब आपको कंटिन्यू कर लेना चाहिए। अनलेस आपके पास गूगल से जॉब है, अनलेस आपके 8 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख की जॉब है, तो जॉब में कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज गो फॉर एमबीए एज अ फ्रेशर ग्रेजुएट, क्योंकि उसका फायदा क्या है, आप ना एक वो पढ़ाई वाले माहौल से आ रहे हैं, आपका स्केड्यूल फिक्स है, आपको 2 साल, 3 साल, 4 साल हो गए हैं पढ़ने में, आपको 1 साल और यू नो मेहनत करने के बजाय या ब्रेक लेने के बजाय आप 2 साल और कंटिन्यू कीजिए एक इफ नॉट बेस्ट ऑफ द कॉलेजेस यू नो tier 1, tier 2 कॉलेजेस आप एमबीए कीजिए, क्योंकि अब आप उस एटमॉस्फेयर में है, क्योंकि वर्क एक्सपीरियंस के बाद करना बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि आपको आदत नहीं रही है पढ़ने की, आपको आदत नहीं रही है एक क्लासरूम में बैठ के जाने के असाइनमेंट्स करने की। वेरी डिफिकल्ट फॉर द पीपल हु हैव कम फ्रॉम 2 years, 3 years, 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस। आई माइसेल्फ हैव डन माय एमबीए आफ्टर 2 years ऑफ यू नो वर्किंग, व्हेन आई हैड अनलिमिटेड यू नो टाइम एट माय हैंड, मैं खुद पैसे कमा रहा था, अपनी मर्जी से यू नो घूमता था, कपड़े पहनता था, दोस्तों के साथ घूमने जाता था, नाउ देयर इज नो मनी सोर्स, आपको फीस भी देनी है, आपको पढ़ना भी है, आपकी लाइफ एटमॉस्फेयर काफी चेंज हो जाती है। सेकंड, आपने बीबीए बीकॉम किया है, अब उसके बाद आपको अच्छी जॉब नहीं मिल पा रही है, जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन गो फॉर एमबीए, क्योंकि एक लर्निंग कर्व है और उसके बाद चांसेस आपकी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है एक अच्छी जॉब लेने की। थर्ड, यू आर कंफ्यूज्ड, नहीं पता क्या करना, सबने कहा था बीटेक कर लो, बीटेक कर लिया, सबने कहा बीकॉम कर लो, बीकॉम कर लिया, कहा बॉम्बे चले जाओ, दिल्ली चले जाओ, जयपुर चले जाओ, इंदौर चले जाओ, वहां से जाके ग्रेजुएशन कर लो, वो कर लिया, अभी भी क्लियर नहीं है लाइफ में कि क्या गोल्स है, देन एमबीए इज डेफिनेटली द राइट ऑप्शन, बिकॉज अगेन एज आई टॉक्ड अबाउट एमबीए में आपको एक्सपोजर मिलेगा फैकल्टी, क्योंकि एमबीए इज अ कोर्स विच गिव्स यू अ प्लेटफॉर्म
टू लर्न टू अंडरस्टैंड के क्या हो क्या रहा है दुनिया में, दुनिया जा कहां रही है, जॉब्स कहां पे है, नया प्रोडक्ट क्या है, बेचना क्या है, तो एक्सपोजर मिलेगा। नेक्स्ट, नेटवर्किंग मिलेगी, एक नेटवर्क फॉर लाइफ टाइम बनाएंगे आप, क्योंकि शायद ग्रेजुएशन में आप एक सिटी में लिमिटेड थे, आप उतने ही मोहल्ले में थे, अपने ही टाउन में थे, अपने ही शहर में थे, यहाँ पे आपको एक नेटवर्क फ्रॉम अक्रॉस इंडिया और किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में कर दिया, इंडिया या इंडिया से बाहर, तो अक्रॉस ग्लोबल मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कॉर्पोरेट वालों की, या जो वर्क एक्सपीरियंस लेके आए हैं, वो एक साल का हो, दो साल का हो, तीन साल का हो, अगेन आपने क्योंकि ग्रेजुएशन के बाद एमबीए नहीं किया, बिकॉज यू इन योर माइंड यू वर वेरी क्लियर यार मुझे एमबीए तो करना है लेकिन मैं टॉप इंस्टीट्यूट से ही करूंगा, इसलिए आपने ब्रेक लिया। या दूसरा रीजन ये हो सकता है कि यार आपकी अच्छी जॉब लग गई थी, आपने कहा यार अच्छी जॉब लग रही है, एमबीए की मार्केट तो डाउन है, अभी रिसेशन चल रहा है, हर इंस्टीट्यूट में अच्छी सैलरी नहीं लग रही है, यहाँ पे तो मुझे 6-8-10 लाख की सैलरी मिल रही है, मैं क्यों ना पैसे कमा लूँ। थर्ड, आपके पास एमबीए की हाई फीस देने के लिए अभी पैसे नहीं थे, आपने कहा लोन नहीं लूंगा, खुद कमा लूंगा। फोर्थ, आपको रियलाइजेशन नहीं थी, एवरीथिंग वॉज यू नो हंकी डोरी, बट नाउ आफ्टर 2 years, 3 years, 4 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, देयर द रीजंस शुड बी, वन, यू आर स्टैग्नेंट इन योर जॉब, यू आर रियलाइजिंग क्या मुझे 2, 3, 4, 5 साल हो गए, मैं एक ही टाइप का काम कर रहा हूं, मैं ग्रो नहीं कर पा रहा हूं, मैं जिस सेक्टर में घुस गया था आफ्टर माई ग्रेजुएशन बाहर नहीं निकल पा रहा हूं, मुझे इंडस्ट्री चेंज करनी है, मुझे रोल चेंज करना है, मुझे एक जंप चाहिए। उस समय मेरे घर के हालात, मेरे अपने हालात ऐसे थे कि मुझे कोई भी जॉब उठानी थी। नाउ आपको एक नेक्स्ट यू नो पेडेस्टल पे जाना है, तो या तो आप शिफ्ट करिए, किसी को जानिए, अपनी मेहनत करिए, अपस्किलिंग करिए, ऑनलाइन कोर्सेज कर लिए, सर्टिफिकेशन करिए, अदरवाइज एमबीए कीजिए। बिकॉज एमबीए अगर आप 3-4 लाख की सैलरी में फंस गए, आप 2 साल की इन्वेस्टमेंट 10-12 लाख का अच्छे कॉलेज में फीस देने के बाद, आपके चांसेस बढ़ जाते हैं कि आप सडनली 8 लाख, 10 लाख, 12 साल की एवरेज फीस, एवरेज सैलरी के ब्रैकेट में जा सकते हैं विद 2 years ऑफ इन्वेस्टमेंट। सेकेंड, आपने रियलाइज किया कि यार आप बहुत सारे लोग इंडिया में इंजीनियरिंग करते हैं और इंजीनियरिंग के बाद जॉब में चले जाते हैं। अब आपने रियलाइज किया कि यार मैनेजर बनना है तो टेक स्किल्स तो ज़्यादा काम नहीं आएंगी थोड़ी देर बाद, सॉफ्ट स्किल्स, रिलेशनशिप मैनेजमेंट, नेगोशिएशन स्किल्स, एम्पथी, ये सारी चीज़ें कैसे सीखोगे, क्योंकि अब जॉब में तो आप एक काम कर रहे हैं उसी में अटक गए। एमबीए इज देन एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू टू अंडरस्टैंड हाउ टू मैनेज पीपल, हाउ टू रन द टीम्स, हाउ टू स्केल द टीम्स, देन दैट्स द रीजन। थर्ड, आपको लगता है कि भी जो एमबीए है या करंट जॉब है वहां से आपको अपने सिटी से बाहर जाना है, आपको ग्लोबल जाना है, अब दूसरा आपके पास एनफ रिसोर्सेज आ गए हैं कि नाउ यू कैन फंड योर ओन एजुकेशन, सो दीज कुड बी मैनी रीजन फॉर यू टू टेक एमबीए एज अ ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट और एज अ वर्क एक्सपीरियंस गाय। सो चॉइस इज योर्स, बट आई टोल्ड यू यू नो आई ट्राइड माई बेस्ट टू एक्सप्लेन कि किन सिनेरियोस में आपको एज अ फ्रेश ग्रेजुएट और एज अ वर्क एक्सपीरियंस ग्रेजुएट आपको एमबीए करना चाहिए। अगर इसके बाद भी कुछ डाउट्स हैं दिमाग में तो प्लीज 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 राइट इन द कमेंट सेक्शन, आई विल पर्सनली ट्राई टू आंसर एवरी क्वेश्चन ऑफ योर्स। ऑल द बेस्ट गाइस, थैंक यू।